तेलंगाना इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए। अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना इंटर फर्स्ट ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतायज में 63.86% उम्मीदवार कामयाब हुए। इसके अलावा फर्स्ट ईयर वोकेशनल में 53.24% 5% रिकॉर्ड किया गया, जबकि सेकेंड ईयर इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहान में पास की शरह 43.77% और वोकेशनल सेक्शन में पास की शरह 51.12% रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात की फराहमी का फैसले के बाद तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में सफर करने वालों की 70% आबादी दोनों शहरों में खवातीन है, जो हुकूमत की इस स्कीम से इस्तेफादा कर रही। रियासत में कांग्रेस के इख्तदार में आने के बाद से शुरू की गई महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को बस में मुफ्त सफर की स्कीम पर 9 दिसंबर से अमलावारी का सिलसिला शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि शहर हैदराबाद और मजलिसी बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हदूद में मुफ्त बस के सफर की सहूलत से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज छत्रपति नाका पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े शालीवंडा मुगलपुरा के रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। इस मौके पर साउथ जोन एडिशनल डीसीपी ने कहा कि इस काउंसलिंग का मकसद यह है कि रॉडी शीटर्स अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारे, माजी में जो गलतियां की है उसकी वजह से उनके ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर कोई किस्म की आंच ना आए। जिस तरह से आज हर आए दिन छोटे छोटे नौजवानों की जानिब से गैर कानूनी जराइम कम इर्तकाब हो रहा है, इन जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस सरगर्म हो चुकी है। लिहाजा आप तमाम से भी गुजारिश है कि रात के वक्त बाहर ना घूमें और किसी किस्म के जराइम में मुलविस ना हो, वरना सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद में पिछले एक हफ्ते से लगातार कत्ल की वारदातों में इजाफे के बाद शहरियों में खौफ व हरास का माहौल देखा जा रहा था और लगातार पुलिस की नाकामियों पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस नींद से जाग गई और गैर समाजी अनासिर की सरकोबी के लिए सरगर्म नजर आ रही। हफ्ते की शाम से ही पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे काला पत्थर, फलकनुमा, शालीबंडा और सैदाबाद में पुलिस ने रात के वक्त आवारा घूमने वाले नौजवानों की सरकोबी की और साथ ही गाड़ियों की चेकिंग का प्रोग्राम भी शुरू किया। इस मौके पर मुश्तबा अफराद से भी पूछताछ की गई। इस मौके पर पुलिस आला अहदेदारान भी मौजूद थे। हैदराबाद में कत्ल के वाकयात में इजाफा और नौजवानों में ड्रग्स के इस्तेमाल के रुझान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नामपली मोहम्मद फिरोज खान ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने कत्ल के वाकयात के तदारुक और ड्रग्स के फैलाव को रोकने के लिए कमिश्नर पुलिस को 6 नुकाती फार्मूला पेश किया, जिस पर अमलावारी के जरिए हैदराबाद को कत्ल और ड्रग्स की लानतों से निजात दिलाई जा सके। फिरोज खान ने कहा कि शहर के हालात का तफसीली जायजा लेने के बाद उन्होंने ये फार्मूला तैयार किया, जिस पर अमलावारी के जरिए न सिर्फ गैर समाजी अनासिर की सरगोभी की जा सकती है बल्कि नौजवान नस्ल को ड्रग्स की लानत से बचाया जा सकती है। कमिश्नर पुलिस ने मनसूबे पर अंदरून 15 यौम अमलावारी का तयखन दिया। महिला कांग्रेस कायदीन ने बीजेपी ऑफिस का घेराव किया। नीट इम्तिहान में होने वाली बेकायदगियों और धांधलियों के खिलाफ मरकज की खामोशी पर उन्होंने एहतजाज किया और तेलंगाना के मरकजी वज़रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस एहतजाजी धरने की सदारत तेलंगाना रियासती महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने की। इस मौके पर मोदी हटाओ मुल्क बचाओ के भी नारे लगाए गए और 24 लाख तुलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। आंध्र प्रदेश काबीना में असेंबली इंतखाबात में आवाम से किए गए वादों की तकमील को मंजूरी दे दी गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सदारत में काबीना का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 5 इंतखाबी वादों की तकमील को मंजूरी दी गई। चीफ मिनिस्टर का जायजा लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने इन वादों पर पहली दस्तखत की। काबीना ने मेगा DSC के तहत 16,347 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रात का भी फैसला किया। BRS के अरकान असेंबली की शमूलियत से कांग्रेस कायदीन में नाराजगी देखी जा रही। गुज़िश्ता दिनों साबिका स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की शमूलियत के मौके पर बांसवाड़ा में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज किया था। ताज़ा तरीन मामला जगत्याल के BRS रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने कल रात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के सीनियर लीडर TG1 रेड्डी को शिकस्त देकर कामयाब हुए थे। बताया जा रहा है कि संजय कुमार की पार्टी में शमूलियत के फैसले पर G1 रेड्डी नाराज है और उन्होंने अपने हामियों से मशावरत करते हुए कानून साज काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली। एक खातून ने 10 माह कबल अपनी जवान बेटी को घर में दफन किया। इस वाकये का इंकशाफ सऊदी अरब में मुकीम लड़की के वालिद की शिकायत के बाद हुआ, जिन्होंने पुलिस से इनके घर की तलाशी लेने की दरख्वास्त की, जिसके नतीजे में घर में दफन नाश बरामद हुई। मुतफी की शनाख्त 17 साला परवीन की हैसियत से हुई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वालिदा हनीफा बेगम अब पुलिस की हिरासत में। ये दिल दहला देने वाला वाकया हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धोज गाँव में पेश आया।
नौ तामिरशुदा राम मंदिर के इफ्तिताह को अभी चंद माह भी नहीं गुजरे कि पहली बारिश में मंदिर की छत टपकने लगी। राम मंदिर के बड़े पुजारी आचार्य स्वतंत्र दास ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा और बाहर के अहाते में पानी जमा हो गया। इनके मुताबिक जहाँ रामलीला मौजूद है वहाँ भी पानी भर गया। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर भी बारिश का पानी भर गया, जो बाई से फिक्र है। आचार्य का कहना है कि जो राम मंदिर तामीर हुआ इसमें पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, इसकी वजह से पानी ऊपर से टपकने लगा। यह बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले इस मसले की जांच की जानी चाहिए। अगर इस मसले की इक्सुई नहीं की गई तो मंदिर के दर्शन और पूजा बंद करनी पड़ेगी।